नमस्कार दोस्तों, बी एल एस एल एल बी और बी ए एल एल बी के लॉजिक 1 के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। टॉपिक पे जंप करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, एक हफ्ते में आपके एग्ज़ाम्स हैं। आपके दोस्त आपको डरा रहे होंगे कि लॉजिक 1 एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉजिक 1 एक मॉडरेट सब्जेक्ट है, एक मीडियम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इससे कई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको मिलने वाले होंगे, आगे आएंगे, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे इसके लिए सिंसियरली पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है और स्मार्टली पढ़ने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ना घबराइए और अपना काम करते हुए जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये लेक्चर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स दो टुकड़ों में बटा रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और आपको श्योर शॉट 12 मार्क्स के लिए आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, जिसका नाम है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉजिक के दो टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल लॉजिक और मॉडर्न लॉजिक। ट्रेडिशनल लॉजिक का ट्रेडिशनल फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो लेट्स बिगिन। सो डेफिनेशन रहेगा, इन मॉडर्न लॉजिक एनीथिंग दैट इज बिलीव्ड, डिसबिलीव्ड और सपोज्ड इज नोन एज अ प्रपोजिशन। मॉडर्न लॉजिक में तीन टाइप के प्रपोजिशन होते हैं, सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और जनरल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन, सिंपल प्रपोजिशन इज अ प्रपोजिशन विच इन्फर अ सिंगल फैक्ट इन द स्टेटमेंट। द सब्जेक्ट ऑफ अ सिंपल प्रपोजिशन ऑलवेज इन्फर अ सिंगल फैक्ट। मतलब सिंगल फैक्ट जिस सेंटेंसेस में होता है उनको हम लोग लॉजिक की भाषा में सिंपल प्रपोजिशन बोलते हैं। इनके चार टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट लेस प्रपोजिशन मतलब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रपोजिशन मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, क्लास मेंबरशिप प्रपोजिशन जिसका मतलब है कि एक आदमी या फिर एक इंडिविजुअल एक क्लास का मेंबर है, और रिलेशनल प्रपोजिशन जिसका मतलब है एक्स इज रिलेटेड टू वाई, मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से रिलेटेड है। सो लेट्स बिगिन। सब्जेक्ट लेस प्रपोजिशन जिसका डेफिनेशन है, द प्रपोजिशंस विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड फुल्ली एंड विच डोंट हैव अ लॉजिकल सब्जेक्ट आर नोन एज सब्जेक्ट लेस प्रपोजिशन। मतलब जिसमें ऐसे प्रपोजिशंस या फिर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ग्रामेटिकल सब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन लॉजिकल सब्जेक्ट नहीं होगा, उनको सब्जेक्ट लेस प्रपोजिशन मतलब बिना सब्जेक्ट वाले प्रपोजिशंस बोलते हैं। सो फायर एंड स्नेक, ये सिंगल वर्ड है, एक्सक्लेमेशन है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है और इससे सेंटेंसेस का भी कुछ पता नहीं चलता इसमें क्या बोला है। सो इसको हम लोग लॉजिक की भाषा में बोलेंगे सब्जेक्ट लेस प्रपोजिशन। नाउ लेट्स बिगिन विथ सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रपोजिशन। सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रपोजिशन मतलब ऐसे प्रपोजिशंस जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, और द प्रपोजिशन विच स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल पजेसेस सम क्वालिटी इज नोन एज अ सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रपोजिशन। जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया है सोलोमन वॉज वाइस। सो सोलोमन ये है सब्जेक्ट और वॉज वाइस इज अ प्रेडिकेट टर्म। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होने की वजह से इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रपोजिशन बोलेंगे। तीसरा टाइप है क्लास मेंबरशिप प्रपोजिशन, जिसका सिंबल रहेगा ए ई एफ। मतलब ए इज द मेंबर ऑफ क्लास एफ। द प्रपोजिशन which asserts that an individual is a member of certain class is known as a class membership proposition. मतलब एक individual है वो एक class का member है, जिसका standard form हम लोग logic में लेते हैं f, इसलिए मैंने बोला है a e f। मतलब a, let's say a is an individual, e मतलब is the member of class f। एग्जाम्पल मैंने दिया है अर्जुना वॉज अ वॉरियर। सो अर्जुना इज अ इंडिविजुअल, अर्जुना इज अ मेंबर ऑफ वॉरियर क्लास। ओके, रिलेशनल प्रपोजिशन जिसका सिंबल रहेगा एक्स कैपिटल आर
y, मतलब x is related to y. The proposition which asserts that there is a relation between the terms of proposition is known as a relational proposition. Example है, Ram is the husband of Sita. मतलब राम हम लोग बोलेंगे individual x is related to Sita, जिसको हम लोग बोल सकते हैं individual y. So x r y. दूसरा है compound proposition. Logic modern logic का दूसरा classification रहेगा compound proposition. So when two or more simple propositions are combined together, we get a compound proposition. मतलब दो simple proposition जो मैंने पहले explain किए थे, हम लोग इकट्ठा कर दे, तो एक complex या फिर compound proposition बन जाएगा. There are five types of compound proposition: conjunctive proposition, disjunctive proposition, implicative proposition, double implicative or equivalent proposition, negative proposition. To be continued, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े explain करने में बहुत ही difficult ऐसे terms होने वाले हैं जिसको मैं अभी थोड़ी देर में डालने वाला हूँ, तो आपको ज़्यादा wait करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक sure shot 12 marks का question होने वाला है, और आप इसको ध्यान से देखिए और लॉजिक से घबराना बंद करिए. लॉजिक एक मीडियम सब्जेक्ट है, एक बेसिक आसान सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ी सी स्मार्ट वर्क से अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ. और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा रिजल्ट देगा. सो थैंक यू.